We are here to discuss process of nutrition in human beings. It involves the following steps. First, ingestion. So what is ingestion? Process of taking food inside the mouth is known as ingestion. मुंह के अंदर खाना डालना इंजेशन है. अमीबा में आपने देखा था कि वो एनगल्फ कर रहा था थ्रू इट्स बॉडी सरफेस, वो इंजेशन था. तो फूड मुंह के अंदर हम चुई करते हैं, फिर वो स्वेलो करते हैं. तो टेकन इनटू द फेरिंग्स एंड देन स्वेलोड इनटू द इसोफेगस, है ना. पहले फेरिंग्स में जाता है, फिर फूड पाइप में चला जाता है. दूसरा स्टेप है डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्मॉलर सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फूड गेट्स मिक्स विद द स्लाइवा. स्लाइवा जो है स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रीट करती है और स्लाइवा के अंदर एक स्लाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को माल्टोज में. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कहाँ डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो माउथ में स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन. इसीलिए जब हम ब्रेड खाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट लगता है जब स्लाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और स्लाइवरी एमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करने लगता है. फिर माउथ के बाद जब स्टमक में खाना जाता है तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में लाइनिंग ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक. और ये सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम कर देता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है जो खाने के साथ बॉडी में आ गया. पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है. और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, है ना, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड. एसिड से खराब ना हो जाए स्टमक, इसलिए उसकी जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है. स्टमक के बाद खाना ट्रांसफर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिसीव करता है जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है. और लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो एसिडिक मीडियम, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम था, है ना, HCl था, उसको कन्वर्ट कर देता है एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि अब जो एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, पेप्सिन को छोड़. पेप्सिन तो एसिडिक मीडियम में काम करता है. बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन. तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज किसके डाइजेशन में मदद करता है, शुगर एंड स्टार्च के. लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स. लाइपेज एक एंजाइम है. ट्रिप्सिन एक और एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. इंटेस्टाइनल वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो वेरियस एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है. तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. ये भी पूछा जा सकता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ना स्टार्च क्या बनाता है. स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. नेक्स्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड. तो ये कहाँ पर होता है, इलम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई. विलाई क्या काम करते हैं, विलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके. और उनकी थिन लेयर्स होती हैं सेल्स की, और वो रिचली सप्लाइड होती हैं कैपिलरीज से. कैपिलरीज में क्या रहता है, ब्लड.
तो जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? अब ये ब्लड बॉडी की सेल्स में जाएगा, ठीक है। सो एसिमिलेशन नेक्स्ट प्रोसेस है। एसिमिलेशन में क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। कौन कौन से बॉडी फंक्शंस के लिए फूड एब्जॉर्ब फूड यूटिलाइज होता है? सबसे पहले एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी चाहिए होती है हमें। अभी तक हमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी नहीं मिली, एनर्जी कहाँ मिलेगी? सेल के अंदर। और दूसरा क्या काम होता है फूड का? नए टिश्यूज बनाता है और पुराने टिश्यूज की रिपेयरिंग करता है, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस। और जो भी वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट वो एनस के थ्रू निकल जाता है। यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये प्रोसेस ऑफ इजेशन में रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है ना फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। इसमें माउथ के अंदर स्लाइवा मिक्स होता है फूड के साथ। स्लाइवरी ग्लैंड्स का पिक्चर इसमें नहीं दिया, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स सिचुएटेड होती हैं। और ये माउथ को आप बक्कल कैविटी बोल सकते हो। खाना ट्रांसफर होता है इसोफेगस, फिर वहाँ से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, और फिर ये एनस है इसकी तरफ जो अनएब्जॉर्ब वो फूड होता है अनडाइजेस्टेड वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये लीवर और पेनक्रियाज हैं जो कि डिफरेंट जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आप वीडियो प्लीज वॉच करते रहिए, और ये जो नोट्स मैंने टाइप किए हैं इसको कॉपी करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।